नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पढ़ने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जीवन भर पढ़ा और सीखा जा सकता है, इसे सच सिद्ध कर दिया रीवा जिले के डिहिया ग्राम निवासी अयोध्या सिंह ने, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में रीवा के ठाकुर ब्रह्म सिंह महाविद्यालय में एडमिशन लेते हुए एमए और एमफिल की डिग्री हासिल की। वे अब ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार के निदान संबंधी विषय पर पीएचडी करने की बात कर रहे हैं। 18 वर्षीय अयोध्या सिंह अध्यापक थे तथा 2004 में रिटायर हुए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु कुछ दिनों तक पढ़ाया, लेकिन बाद में रिक्तियां पूर्ण होने के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा, जिसके बाद खुद का विद्यालय खोला, लेकिन जगह जगह पैसों की मांग के चलते 10 वर्ष बाद विद्यालय बंद कर दिया। इसके बाद फिर से पढ़ने की इच्छा जागी और उन्होंने 2018 में समाज शास्त्र में एमए और एमफिल किया। तो यदि संयोग हुआ कि उसी मुझे बेसिक ट्रेनिंग स्कूल का वो जगह निकली, मैंने वहाँ आवेदन किया। उसमें वो हमारे बहुत अच्छा हमारे उस बारे में लिखा था नागेश्वर सिंह ने, तो हमारे उसके आवेदन के आधार पर सिलेक्शन हो गया। उन्होंने फिर उन्हीं के संस्था में हम चले गए, वहाँ साल में ट्रेनिंग की है, उसके बाद कोचिंग हो गई। खजुआ हमारी पहली कोचिंग देवस्थान था खजुआ, तो वहाँ भी क्या हुआ, तो दो तीन महीने की तनख्वाह नहीं मिली। तो बरसात के बाद अटैचमेंट एक साथी थे सिरपरा के माँ साहब थे, वो भी करा दिया हुआ, हमारा कोई परिचय नहीं था, उनका परिचय था। तो इसे डी ओ सर्विस सेक्शन में काम उठा नहीं रह गया। तो क्या हुआ कि एक दिन वो हमको कहा, जो हमारे साथी बाद साथ थे परमेश सिंह जी, वो फाइल दिया हमको, कहा जाओ दो साथी 10 का दंडाला। तो हमने कहा कि हमको क्या भेजते हैं, तो कहें नहीं नहीं जाएगा, उनका उनकी उनकी चला के हम नहीं समझ पाए थे। तो हम ले गए डी ओ साहब के पास, जैसे फाइल रखे तो उन्होंने कहा कि परिचय था विजय सिंह, जानते थे हमको कृपी सिंह साहब वगैरह की वजह से, उनका गाँव भी है बहरगा। तो उन्होंने पूछा उसे कि तुम्हारी तनख्वाह मिली, हमने कहा हमारी तनख्वाह नहीं मिली। तो बाबू को बुलाए, तो बाबू छोटा था, साई में छोटा था, फिर बड़ा बाबू था, तो वो छोटे बाबू कहते थे, छोटे बाबू। तो वो आया तो हमको देखा, उन्होंने कहा कि इनकी तनख्वाह आज निकाल के जाना, तब फिर हम बात करना। आपका रिटायरमेंट कब हुआ और फिर आपने यहाँ पर एडमिशन कब लिया? जी हमारा रिटायरमेंट 2004 में हुआ, 2004 में हुआ। तो हम पाँच वर्ष तक तो हुआ प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, रिटायरमेंट के बाद गांव में ही पढ़ाते थे। उसके बाद खैर का स्कूल खोला, वो भी 10 साल चला, फिर आज के करीब ऐसा फिट नहीं हुए तो बंद कर दिया। फिर कॉलेज में वो आदमी वो पेपर में पढ़ा 2018 में, जुलाई 2018 में, कि कॉलेज में कोई भी एडमिशन ले सकता है बिना उस उम्र का कोई बंधन नहीं, उसमें भी प्रयास किए। तो उसमें भी हुआ तो कठिनाई से बहुत, जो डिपार्टमेंट कहाँ थे हमारी अनुसूची थी, कहाँ कहाँ टी सी थी, हलफनामा देना पड़ा, सरपंच जी का हलफनामा दे दो, हलफनामा दिया यहाँ कि पंद्रह जमा नहीं करेंगे तो वो प्रदेश भी अस्त कर दिया जाओ। तो फिर हम वो हलफनामा बनवाए मजिस्ट्रेट के यहाँ से, तो यहाँ जमा किए। फिर सागर गए, सागर गए तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे वो बड़े प्रसन्न हुए, कहा आप पढ़ने के लिए टी सी ले सूची ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे कंट्रोलर साहब को बुलाया और कहा कि भाई आप पढ़ने के लिए हम सूची लेने आए हैं, आपको तुरंत करवा देंगे। तो वो करो लिखो तो टोली गया, उन्होंने कहा बड़ी खुशी हुई। फिर वहाँ से आए थे, हम जमा किया, आठ
अगस्त को यहाँ ले आए फीस जमा करने के लिए। तो हम वहाँ मौजूद भी हैं, हमको ये नहीं मालूम था फीस कहाँ जमा करनी। तो हम ले आए पैसा क्योंकि सब नदी के टेबल में लगे। तो कहा ऐसा नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन क्या होता है हम कुछ नहीं जानते थे, तो मौजूद है ना। तो फिर गए गाँव में, हमारे वो ऑनलाइन थी जमा कर दिया। 9 अगस्त से क्लास एम ए एम फिल यहाँ से आपने किया, और अब क्या ही रहा है? फिर अब एम फिल कर लिए, अब रिजल्ट नहीं आया है और हो गया वो। अब पी एच डी करने की बड़ी इच्छा है। क्या सब्जेक्ट चुनने के? सब्जेक्ट समाज शास्त्र का है, तो हमारे अंदर ग्राम पंचायत के संबंध का है, ग्राम पंचायत के बारे में हमारी इच्छा है। हमारे हो नहीं है कि हम कैसे करेंगे, तो सर से पूछेंगे कुछ हम क्या चाहते हैं, ऐसा करेंगे तो फिर जैसा बताएंगे उसी तरह हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने में हमको डर नहीं लगता, मैं इच्छे नहीं कुछ करते नहीं, हमारी आपकी इच्छा है और हमारा शरीर भी जाए तो कुछ करते करते चले। क्या हुआ कि एक दिन वो हमको कहा, जो हमारे साथी बाल साथ थे परमेश सिंह जी, वो एक फाइल दिया हमको, कहा जाओ दो साथी दस का दुनबाद आओ। तो हमने कहा कि हमको क्या भेजते हैं, तो कहीं नहीं जाएगा उनका उनकी माँ उनकी चला के हम नहीं समझ पाए थे। तो हम ले गए जो साहब के पास, जैसे फाइल रखे तो उन्होंने कहा कि वो परिचय था विजय सिंह, जानते थे हमको कृपी सिंह साहब वगैरह से, उनका गांव भी है बहन का गाँव। तो उन्होंने पूछा हमसे कि तुम्हारी तनख्वाह मिली, तो हमने कहा हमारी तनख्वाह नहीं मिली। तो बाबू को बुलाए, तो बाबू छोटा था साई में, छोटा था भाई बड़ा बाबू था, तो वो छोटे बाबू कहते थे छोटे बाबू। तो वो आया तो हमको देखा, उन्होंने कहा कि इनकी तनख्वाह आज निकाल के जाना, तब फिर हम बात करना। आपका रिटायरमेंट कब हुआ और फिर आपने यहाँ पर एडमिशन कब लिया? हाँ जी, हमारा रिटायरमेंट 2004 में हुआ, 2004 में हुआ। तो हम पाँच वर्ष तक तो हुआ प्राइमरी स्कूल पढ़ाते थे, रिटायरमेंट के बाद गाँव में ही पढ़ाते थे। उसके बाद खराब का स्कूल खोला, वो भी 10 साल चला, फिर आज के करीब ऐसा फिट नहीं हुए तो बंद कर दिया। फिर कॉलेज में वो आदमी वो पेपर में पढ़ा 2018 में, जुलाई 2018 में, कि कॉलेज में कोई भी एडमिशन ले सकता है बिना उस उम्र का कोई बंधन नहीं। उसमें भी प्रयास किए, तो उसमें भी हुआ, तो कठिनाई से बहुत जो डिपार्टमेंट कहाँ थे हमारी अनुसूची थी, कहाँ कहाँ टी सी थी, हलफनामा देना पड़ा, सरपंच का हलफनामा दे दो, हलफनामा दिया यहाँ कि पंद्रह दिन जमा नहीं करेंगे तो वो प्रवेश निरस्त कर दिया जाए। तो फिर हम वो हलफनामा बनवाए मजिस्ट्रेट के यहाँ से, तो यहाँ जमा किए। फिर सागर गए, सागर गए तो वहाँ के जो वाइस चांसलर थे वो बड़े प्रसन्न हुए, कहा आप पढ़ने के लिए टी सी ले अनुसूची ले रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे कंट्रोलर साहब को बुलाया और कहा कि भाई आप पढ़ने के लिए अनुसूची लेने आए हैं, आपको तुरंत करवा देंगे। तो वो करो फोटो को लिया, उन्होंने कहा बड़ी खुशी हुई। फिर वहाँ से आए थे, हम जमा किया 8 अगस्त को यहाँ ले आए फीस जमा करने के लिए। तो हम वहाँ मौजूद भी हैं, हमको ये नहीं मालूम था फीस कहाँ जमा करनी। तो हम ले आए पैसा क्योंकि सब नदी के टेबल में लगे। तो कहा ऐसा नहीं, ऑनलाइन ऑनलाइन क्या होता है हम कुछ नहीं जानते थे, तो मौजूद है ना। तो फिर गए गांव में, हमारे वो ऑनलाइन थी जमा कर दिया। 9 अगस्त से क्लास एम ए एम फिल यहाँ से आपने किया, और अब क्या ही रहा है? फिर अब एम फिल कर लिए, अब रिजल्ट नहीं आया है और हो गया वो। अब पी एच डी करने की बड़ी इच्छा है। क्या सब्जेक्ट चुनने के? सब्जेक्ट समाज शास्त्र का है, तो हमारे अंदर ग्राम पंचायत के संबंध का है, ग्राम पंचायत के बारे में हमारी इच्छा है। हमारे हो नहीं है कि हम कैसे करेंगे, तो सर से पूछेंगे कुछ हम क्या चाहते हैं, ऐसा करेंगे तो फिर जैसा बताएंगे उसी तरह हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने में हमको डर नहीं लगता, मैं इच्छे बिल्कुल कुछ करते नहीं, हमारी आपकी इच्छा है और हमारा शरीर भी जाए तो कुछ करते करते चला।
सर 80 साल की उम्र में यहाँ अयोध्या जी ने एमए किया, एमफिल किया और अब पीएचडी करना चाहते हैं। किस तरह के स्टूडेंट थे और आप लोग को कितनी कठिनाइयाँ हुई? बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, एज ए स्टूडेंट हम कहें तो ये बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे और दूसरे छात्रों के लिए एक तरह से ये प्रेरणा का काम करते थे। हमेशा क्लास में नियमित रूप से आना, टाइम पे आना, आई कार्ड लगा के आना, ड्रेस में रहना, प्रॉपर ड्रेस में रहना, ये सारी चीज़ें हमने अयोध्या सिंह से हमारे बच्चे सीखे हैं। और ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब से इन्होंने अगस्त से पीजी में क्लासेस शुरू हुई और यम फिर तक, यहाँ तक कि एमए करने के एमए में भी आते थे ड्रेस में और यमफिल में भी, जो यमए का और यमफिल का दोनों का अलग अलग ड्रेस था तो यमफिल का भी अलग उन्होंने ड्रेस बनवाया और यमफिल में भी ड्रेस में आते थे। तो दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा थे, हम लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौती थी। चुनौती थी कि इस उम्र में हमारे चाचा और के उम्र के ये स्टूडेंट आए हैं और ये दूसरी बार हुआ है कि किसी ने इतनी उम्र में प्रवेश लिया है। इससे पहले जो प्रवेश लिए थे तो वो 35-40 साल के बीच में थे, लेकिन उससे डबल 80 वर्ष की उम्र में प्रवेश लेना और फिर वो आके सामने बैठना और बहुत ही तल्लीनता के साथ ये पढ़ाई, जो भी पढ़ाया जाता था ये पढ़ते थे, प्रश्न भी करते थे, जो समझ में नहीं आता था प्रश्न भी करते थे और उससे संबंध में कहाँ पे मैटर मिलेगा उन प्रश्नों के उत्तरों को भी जो है ये हमेशा इनके अंदर एक ललक रहती थी कि हम किताबों के साथ ही साथ दूसरे माध्यमों से कहाँ से ये प्राप्त होगा हमें बताया जाए। तो एज ए स्टूडेंट के रूप में तो बहुत ही डिसिप्लिन थे और हम लोगों के लिए एक चुनौती थी, लेकिन हम हमेशा ये कहते थे कि छात्र की तरह ही हमेशा व्यवहार करेगा ताकि दूसरे छात्रों को फीलिंग न हो। अब यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, अब पीएचडी करना चाहते हैं तो हमने कहा कि अब आप एमफिल कर लिए, अब शोध की एक डिग्री ले लिए आप, तो अब आप काहे को परेशान हो रहे हैं? तो बोले कि नहीं सर, हमारी इच्छा है कि हम पीएचडी करना चाहते हैं। तो ये इन्होंने जो है जॉइंट फैमिली पे एमफिल पे किया था और अब इनके अंदर है कि जो पंचायतों में ये जो करप्शन वगैरह हो रहा है, जो ईमानदार सेवक नहीं आ पा रहे हैं, कुछ हम इससे पंचायतों पे लेकर के एक अध्ययन करें। तो इनके अंदर ये इच्छा है कि हम पंचायती राज पर एक अध्ययन करें पीएचडी का। तो अब देखते हैं कि इनके अंदर उनकी ललक को पूरी करेंगे पूरी तरह से। इनके अंदर अगर ये इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम लोग भी उसे पूरा करने में पूरी मदद करेंगे। रीवा से खबर समय जगत के संवाददाता बलकरण पासे की रिपोर्ट।